नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पुरुष, आजकल जो मान्यता है, लोग जब महिला सशक्तिकरण का इस समय जोर है तो पुरुषों में कुछ कुंठा उत्पन्न हो जाती है। पुरुष यह कहते हैं, सोचते हैं कि महिलाओं को सबसे आगे बढ़ाया जा रहा है और हमको पीछे किया जा रहा है। प्रकृति ने जो पुरुषों को बहुत सारी शक्तियां दी हैं, प्रकृति ने उनके साथ में कोई भी अन्याय नहीं किया। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको के अंदर जो कुंठाएं ये उत्पन्न होती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, वो खत्म हो जाएगी। प्रकृति ने मनुष्य को यानी पुरुष को सबसे श्रेष्ठ माना। पुरुष इतना खूबसूरत होता है कि उसको किसी मेकअप की आवश्यकता ही नहीं। महिला अगर मेकअप करती है तब वो सुंदर दिखती है, लेकिन पुरुष एक ऐसा कोहनूर का हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है। मोर जो है वो रंग बिरंगा होता है, उसके अंदर उसके जो ऊपर जो पंख होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन मोरनी में पंख नहीं होते। मोरनी रंग बिरंगी नहीं होती, वो काली और सफेद होती। हाथी के दांत, हाथी के जो दांत हैं वो नर हाथी होता है, वो उसी में पाया जाता है। हाथी जो कि वो हाथी के दांत बे यानी इतने ज़्यादा कीमती होते हैं, उनकी जो एक एक दांत की कीमत लाखों में होती है, लेकिन हाथनी में दांत नहीं होते। मणि नाग के भी पास होती है, नागिन के पास नहीं। और मणि जो कि लोहे को सोना बना देती है, नागिन उसी नाग की दीवानी होती है जिसके पास मणि होती है। कस्तूरी हिरण, कस्तूरी जो होती है वो नर हिरण के भी पास होती है, हिरणी के पास नहीं होती है। रत्न जो है वो सागर में होते हैं, वो नदी में नहीं होते। और जो नदियां जो होती हैं वो अंत में सागर में ही मिल जाती है। तो ये प्रकृति का सिस्टम है। प्रकृति ने पुरुषों को बहुत कुछ दिया है, यहां तक कि गर्भ में जो शिशु 9 महीने रहता है और जब वो उसका जन्म होता है तो उसका चेहरा, उसका स्वभाव पुरुष से मिलता जुलता है। स्वभाव टोटल पुरुष का ही होगा। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है दुनिया के लिए। तो प्रकृति ने पुरुष को पहले से ही बहुत कुछ सुंदरता प्रदान कर दी है और बहुत कुछ पहले से ही दिया हुआ है। इसलिए पुरुष महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाएं उत्पन्न न करें। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।